अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसके बढ़ने की वजह से आपके जितने भी शरीर के जॉइंट हैं, जितने भी जोड़ हैं, उनमें आप बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द, जिसको सहन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर वो दर्द, वो तकलीफ़ अगर आप महसूस करते हैं, दिन रात उसको झेलते हैं, अगर उसका आप फेस करते हैं, तो आज ये वीडियो खास आप लोगों के लिए ही बन रहा है। क्योंकि यूरिक एसिड जो भी हमारे शरीर में, जिन भाइयों को, जिन माताओं बहनों को जो यूरिक एसिड बढ़ने की जो प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से और जितने भी चैलेंजेज, जितनी भी शरीर के अंदर हमारी समस्याएं हैं, वो जिनको फेस करते हैं, तो आज उन सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। बस आपको ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा चमत्कारिक उपाय, जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाला नुस्खा है, अगर आप उसका कुछ दिन नियमित रूप से अगर आप सेवन कर लेंगे, तो आपको यूरिक एसिड, जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है, आपका जॉइंट पेन, आपको काम करने में दिक्कत आती है, आपको चलने फिरने में दिक्कत आती है, उठने बैठने में आपको दिक्कत आती है, तो सारी की सारी समस्याओं का कुछ ही दिनों में बिल्कुल जड़ से सफाया होगा, जड़ से बिल्कुल उनका अंत हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी आयुर्वेदा में। हर बार की तरह आज भी मैं एक बहुत ही खास टॉपिक आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, और बहुत ही रामबाण नुस्खा, एक चमत्कारिक नुस्खा आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ, इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। इस नुस्खे को मैंने काफी लोगों को प्रयोग करवाया है, शायद वो लोग ये वीडियो सुन भी रहे होंगे और उनको कितना ज्यादा आराम है वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैक्स टू मैक्स मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको 10 से 15 दिन यानी कि 2 हफ्ते मैक्सिमम ये दवाई लेनी पड़ेगी। फ्री की दवाई है, ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है, आपकी 100 रुपये के अंदर अंदर ये दवाई आप 15 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, जिससे आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी और आपका शरीर एकदम फिट बन जाएगा। आपको 2 चीज़ें लेके आनी है, 2 चीज़ें आप यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर जो होता है, एप्पल साइडर विनेगर आप लेके आए पतंजलि का। मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पतंजलि की जो प्रोडक्ट्स हैं, पतंजलि की जो चीज़ें हैं, वो 80-90% से भी ज़्यादा तक उसमें मतलब प्योरिटी देखी जाती है, यानी कि 100% ही मान के चलो, उनमें बहुत ज़्यादा प्योरिटी होती है। अगर आप दूसरे ब्रांड्स का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा मिलावट होने के चांस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ कौन सी ब्रांड के प्रोडक्ट है, बट फिर भी पतंजलि का यह प्रोडक्ट यूज करें। एप्पल साइडर विनेगर की आप बोतल लेके आए, उसके साथ साथ आप 20 ग्राम बेकिंग पाउडर भी आपको लेके आना है, यानी कि मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, खाने में यूज करने वाला, इस्तेमाल करने वाला जो सोडा होता है, पाउडर के रूप में आता है। आप दोनों चीजें होंगी हैं, एप्पल साइडर विनेगर और बेकिंग पाउडर। आप एप्पल साइडर विनेगर की 2 बोतल ला के रख लें या 1 बोतल ले आए, इनफ है। उसके बाद जैसे खत्म होगी उसके बाद आप दोबारा लेके आ सकते हो। इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको किस टाइम पे इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना, कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी है और कौन कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं इस दवा के, इस उपचार के दौरान पे, ताकि आपको कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, कोई भी ऐसा इफेक्ट, बैड इफेक्ट ना हो कि दवा के दौरान अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लें जिसकी वजह से आपकी दवाई का असर है जो वो काम ना करे या दवाई अपना काम ना करे। तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हर रोज उठने के बाद में आपने 1 गिलास गुनगुने पानी का करना है, यानी कि पानी को गुनगुना भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बॉयल भी कर सकते हैं, अच्छे से उबाल लें, उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें। जब उसका टेम्परेचर 50% डाउन पड़ जाए, यानी कि पीने लायक, गोट गोट करके पीने लायक वो हो जाए, तो उसके अंदर आपने 5 से 10 ml एप्पल साइडर विनेगर जो आप लेके आए हैं उसका जो वो डालना है, आपने 5 से 10 ml डालें या फिर 5 से 7-8 ml तक आप डालें, और उसके अंदर 2 चुटकी आपने बेकिंग पाउडर की डालनी है। उसको चम्मच की मदद से अच्छे से घुमाएं, अच्छे से फेंटें, कम से कम 1 मिनट तक फेंटें, ताकि बेकिंग पाउडर का जो इफेक्ट है वो उसके अंदर घुल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों इस ड्रिंक को बनाने के बाद में, इसको बनाने के बाद आपने सुबह खाली पेट इसका आपने इस्तेमाल करना है। मैक्स टू मैक्स 15 से 20 दिन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 15 से 20 दिन में जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो ऑटोमेटिक उसका जो थिकनेस है, वो थिकनेस है जो अपने आप पतली होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा पानी की तरह होना शुरू हो जाएगा, और आपके बाथरूम के थ्रू, आपको जो रेमेडी मैंने बताई है वो आपको बाथरूम के थ्रू सारा का सारा यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ आपका सारा का सारा निकाल देगी। इस दवा के सेवन के दौरान जब तक आप इस दवा का सेवन करेंगे, तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो परहेज आपने जरूर करना है,
जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कौन कौन से परहेज आपने करने हैं। और दूसरा चीज है, आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है, यानी कि पानी आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपने पीना है। अगर आप 2 लीटर पानी एक दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, 3.5 से 4 लीटर, 5 लीटर तक पानी आप एक दिन में पिए, ताकि जितना ज्यादा आपका बाथरूम निकलेगा, जितना ज्यादा आपका पेशाब निकलेगा, उतना ही जल्दी आपका ये इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि जितना ज्यादा पानी आप पिएंगे, जो दवाई का जो असर है, जो भी आपने दवाई ली है उसका जो असर है, उतना जल्दी आपके शरीर में जाएगा और उतना जल्दी ही बाथरूम के थ्रू बार बार जैसे बाथरूम आएगा, बार बार उस बड़े हुए यूरिक एसिड को आपके शरीर से बाथरूम के थ्रू बाहर निकालेगा। और जैसे ही वो निकलना शुरू होगा, पहले दिन से ही आपको ये इसका रिजल्ट नजर आएगा दोस्तों, पहले दिन से रिजल्ट मिलेगा। और पहले दिन से ही आपके जो जॉइंट पेन है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, पहले दिन से ही आपको उसमें बहुत बेस्ट रिजल्ट, बहुत एक आराम, एक रिलैक्स आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा नुस्खा मैंने आपको दे दिया है जो बहुत ही अपने आप में रामबाण रिजल्ट वाला नुस्खा है, तो आप इसका लाभ जरूर उठाइए। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए, ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो इस समस्या से काफी लंबे समय से ग्रस्त हैं, जो अनेक तरह के ट्रीटमेंट ले चुके हैं, बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद कर चुके हैं, जिनको आराम नहीं है। तो आप छोटा सा एक प्रयास मेरे लिए जरूर करिएगा, ताकि और भी लोग इसका लाभ जरूर उठा सके। तो दोस्तों, आपने परहेज के रूप में मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तली भुनी चीजें, लाल मिर्च, खटाई या सोयाबीन या सोया से बनी हुई कोई भी चीजें आप इसमें इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो आप जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड में आप फ्रूट जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल सैलेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके खाने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।